तो आज आज हद ही कर दी। अब चलें, बुरा लगता है। अच्छा तुम चलो। अम्मी, अम्मी, अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? आपने, अरे यार एक सूट के पीछे जो कि गलती से मेरी अम्मी घर लेकर आ गई थी, इतना बड़ा तमाशा। अरे जान, तुमने भी तो गलत किया था उस दिन मेरे घर आके मेरे घर वालों के साथ। ओ बीजान, एक कुड़ी पागल तो नहीं हो गई है? ऐसा समझ दे कि पैसे असी चुराए ने। चाची जान, किसी ने भी चुराए हो, तलाशी लेने में क्या हर्ज है? ओए, तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर तू साडे उते इल्जाम लगा रही है कि असी पैसे चुराए ने। हो सकता है पैसे किसी ने चुरा के कहीं छुपा दिए हो। ये क्या है, 10 लाख रुपए का चेक, वो भी तुम्हारे अकाउंट? तू तो मुझसे ऐसी तफ्तीश कर दी जैसे मैंने चुराए उनके पैसे। अरे नहीं बाबा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही हूँ, हो सकता है वो हम पे भी शक कर रही हूँ। सकीना, अच्छी खासी रकम चोरी हुई है, शक करना तो बनता है ना। और हमारा कारोबार? डैड, भी साथ साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चलता बेटा। इतना बड़ा कारोबार है, दुनिया भर में फैला हुआ, ये कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है जिसे हम चला लेंगे। सच तो ये है कि मुझे शादी के बाद उससे मोहब्बत है और मैंने इसको निभाया, लेकिन वो वादा नहीं निभा सकी। जाते जाते आखिरी तोहफा तो देती जा, मैं तुम्हें तलाक दे देता। नहीं, तुम्हें तलाक ला ला ला। चली जाओ, चली जाओ। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमेशा आप मेरे हर काम में गड़बड़ करती रही, हमेशा यही किया है आपने। क्या फायदा आपकी ऐसी दौलत का जो मुझे फरहान के दिल में इज्जत न दिलवा सके। ये आंसू कभी नहीं थमेंगे, सारी जिंदगी बहते रहेंगे। कहो शंकर, फैसला आपको करना है, तुमने या बिट्टो? मैं मनुष्य, जहाँ जाती हूँ सब खराब हो जाता है। बिट्टो यहाँ आई ना तो मैं चली जाऊंगी। तो चली जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब पूछे मैं किसको चुनूंगी? मैं अपनी कसम को चुनूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ी भाभी को। तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, बात तलाक तक भी आ सकती है। मैं बिट्टो को जितना झेल सकता था झेल गया। मुझे लगता है मुझे आपके और बिट्टो के बीच से निकल जाना चाहिए। इश्क ही इश्क ही बेवफा। आलिया और अरसलान के मामले में कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे? शौहर की बेवफाई और शौहर की नफरत कितनी तकलीफ दे होती है, इस बात का अंदाजा अजमीर नहीं लगा सकती। अम्मी, मम्मी क्या कर रही हो? घर तला भैया का जानवर यहाँ रुक जाते तो इस घर में रंग भर देते। वो जी, मेरा घर वाला आज अपने गांव से वापस आ रहा है ना, तो मैं घर जाके कुछ खास पकाऊंगी और फिर घर की साफ सुथराई भी करनी है। उसके लिए जो तुम्हें हर वक्त गालियां देता रहता है, मारता रहता है, वो जैसा भी है मेरे बच्चे का बाप है,